हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सालिम रजा और आप देख रहे हैं आपका अपना ग्रीन गोल्ड गार्डन चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं उस प्लांट का नाम मैक्सिकन पेटोनिया है और देखने में बेहद खूबसूरत है, जैसे कि सामने आप वीडियो में देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये तीन कलर में आते हैं, पिंक, वाइट और पर्पल। और फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि इसका जो नाम पेटोनिया है शायद ये पेटोनिया के फैमिली से है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका पिटूनिया जो नाम पड़ा शायद इसके जो फ्लोवर्स होते हैं पिटूनिया के फ्लोवर्स की तरह होते हैं, तो शायद इसी वजह से इसका नाम पिटूनिया पड़ा और मैक्सिको से ये आया है, तो इसलिए इसका मैक्सिकन पिटूनिया पड़ा। दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपको कम देखभाल में ज़्यादा फूल मिले, कोई ऐसा पौधा हो, तो दोस्तों मेरी सलाह यह है कि आप मैक्सिकन पिटूनिया को ज़रूर लगाएँ। आप इसको एक बार लगा दें, उसके बाद में इसकी केयर को आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी बंच में इसके फ्लोवर्स आते हैं और काफ़ी फ्लोवर्स ये आपको देता रहता है। और फ्रेंड्स, आप बहुत ही आसान तरीके से इसको ग्रो कर सकते हैं। आप इसकी कटिंग कहीं से भी ला करके कैसी भी मिट्टी में आप कटिंग को लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, सीड से भी ये बहुत ही आसान तरीके से ग्रो हो जाता है, लेकिन कटिंग से ग्रो करने में आपको जल्दी और ज़्यादा फूल मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप सीड से ग्रो करना चाहते हैं अपने इस प्लांट को, तो अगर आपके पास ये प्लांट है और ज़्यादा प्लांट बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके जो सीड होते हैं, जो फूल करने के बाद में सीड बोर्ड बन जाता है, तो वहाँ से सीड सूखने के बाद में झड़ते रहते हैं, फिर नीचे से ग्रो होते रहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप खुद सीड से ग्रो करें, तो सीड जब पक जाए, सीड बॉड तैयार हो जाए, तो आप इसके सीड निकाल के दूसरी जगह ग्रो कर सकते हैं। और फ्रेंड, इसकी सीडलिंग के लिए बेस्ट मौसम, बेस्ट महीना जो है बाहर का मौसम, यानी कि मार्च के मौसम में इसकी आप सीडलिंग कर सकते हैं और नए नए पौधे बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पिटूनिया के पौधों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, पिटूनिया के फ्लावर्स को आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, तो दोस्तों जो पिटूनिया होते हैं सीजनल, वो मार्च या अप्रैल तक उनका लास्ट हो जाता है। उस टाइम आप इसकी सीडनिंग करके नए नए पौधे उगा सकते हैं और नए नए फूल पा सकते हैं। देखने में बिल्कुल ही पिटूनिया जैसे इनके फ्लोवर्स लगते हैं। मार्च के बाद में दोस्तों जैसे कि गर्मी का मौसम स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम इस पर बहुत ही बंच में फ्लोवर्स आते हैं, काफ़ी फ्लोवर्स आते हैं और पूरी गर्मियों में इस पर फ्लोवर्स आते ही रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं सॉइल की, कि इस प्लांट को कैसी सॉइल चाहिए। अगर आप नर्सरी से ला करके इसको घर पर लगाते हैं, तो इसकी लिए जो बेस्ट सॉइल है, बेस्ट मिट्टी है, वो किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको बेल्डेन सॉइल चाहिए। बेल्डेन सॉइल का मतलब होता है ऐसी मिट्टी जैसे ही आप पानी डालें तो वो ड्रेन हो जाए तुरंत ही। तो दोस्तों ऐसी मिट्टी आप बना करके इस पौधे को लगा सकते हैं। और दोस्तों, अब बात आती है फर्टिलाइज़र की। दोस्तों, इसको कोई ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। जिस टाइम आप पौधा लगा रहे हैं, उस टाइम आप वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग, जो कि फुली डिकम्पोज हो, उसको मिला सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्लोवरिंग कटाई यानी कि मार्च के बाद में आप इसमें हल्का वर्मी कंपोस्ट या काउडंग, जो कि फुली डिकम्पोज हो, वो मिला सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसको कैसी जगह रखा जाए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको डायरेक्टली सनलाइट में रखें, डायरेक्ट धूप में रखें, जिससे कि इस पर ज़्यादा फूल आएँ। अगर आप इसको शेड में रखते हैं तो इसकी ग्रोथ होगी, लेकिन फ्लोवर्स कम आएंगे या बिल्कुल भी नहीं आएंगे, तो इसलिए डायरेक्टली इसको सनलाइट में रखें। इसको सनलाइट ज़्यादा पसंद है। और दोस्तों, पानी कितना चाहिए इस प्लांट को, पानी के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको हल्की वाटिंग करें, ज़्यादा ओवर वाटिंग ना करें। हल्की नमी रहना चाहिए इसके सॉइल में, ज़्यादा ओवर वाटिंग से इसको नुकसान पहुँच सकता है, तो इसलिए हल्की वाटिंग करें, हल्की इसकी मिट्टी में नमी रहनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये पौधा भी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर पौधा पसंद आया हो तो अपने गार्डन में ये पौधा ज़रूर लगाएं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है कि कोई भी प्लांट से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन, उसका मैसेज आपके पास पहुँच जाएगा, जिससे कि आप सबसे पहले वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं इसी तरह के प्लांट्स से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने प्लांट्स का और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। बाय।